समूचे उत्तराखंड के लिए इस वक्त की दुखद खबर सामने आ रही है, जहां मां भारती की रक्षा करते हुए देवभूमि उत्तराखंड का लाल लेह लद्दाख में शहीद हो गया। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में तैनात 14 गढ़वाल राइफल के संजय सिंह रावत उर्फ जीतू ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सैनिक के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। सैनिक के निधन से उनकी 5 साल की बेटी और 6 माह के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है। विकासखंड खिस्तू के ग्राम पंचायत धरी गांव स्थित खुसली गांव निवासी संजय रावत साल 2011 में देश की सेवा के लिए गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। संजय रावत बीते 13 साल से भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे। ग्राम प्रधान कुसली सोहन सिंह और संजय सिंह के चाचा सोहन सिंह ने बताया कि सेना से संदेश आया कि संजय ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि संजय की एक 5 साल की बेटी और 6 माह का बेटा है। उनकी पत्नी मोनिका रावत गृहिणी है। उनके पिता राजेंद्र सिंह सेना से लॉन्च नायक के पद पर सेवानियुक्त हुए हैं, जबकि छोटा भाई धीरेंद्र सिंह भारतीय सेना में तैनात है। बेटे के निधन से खबर से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।